हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट और स्पंजी फूली फूली इडली, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। तो इसके साथ में हमने नारियल की चटनी भी बनाई है, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम सूजी की इडली बनाना। तो सबसे पहले हमें 1.5 कटोरी सूजी को ले लिया है, तो 1 कटोरी सूजी हमने डाल ली है और आधी कटोरी सूजी और ले लेंगे हम। तो टोटल हमने 1.5 कटोरी सूजी को लिया है। तो इसके लिए हम 1 कटोरी दही ले लेंगे और इन दोनों को हमें अच्छे से मिला लेना है इस तरह से पहले। तो पहले दही को अच्छे से मिला लेना है, उसके बाद हमें इसमें पानी डालना है। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसको चलाते जाना है, पानी को डालते जाना है साथ में और चलाते भी जाना है इस तरह से, क्योंकि एक साथ पानी नहीं डालना है हमें। तो इस तरह से बैटर को घोलते रहना है। तो इसमें हम पानी और डालेंगे। इस तरह से हमें जितना बैटर हमें जिस तरह से तैयार करना हो उस हिसाब से हम इसमें पानी डालते जाएंगे। तो हमें बैटर ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और ना ही पतला रखना है। तो हमारा इसमें आधी कटोरी पानी लग गया था, उसके बाद हमें इसमें हमें इसको आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। और उसके बाद दोबारा से इसको देखते हैं, तो इसने पानी काफ़ी सोख लिया था, उसके बाद जो बचा हुआ पानी है हम उसको भी इसमें डाल देंगे। तो टोटल इसमें 1 कटोरी पानी लग जाएगा। तो 1.5 कटोरी सूजी में हमने 1 कटोरी दही लिया था और 1 कटोरी हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से फेंटते रहेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा हम सूजी को फेंटेंगे इस तरह से उतना ही हमारा अच्छे से इडली बनेंगी, फूलेंगी, स्पंजी बनेंगी। और इसको कम से कम 5 मिनट तक इस तरह से इसको फेंटना है। अब हमें इसमें 5 मिनट हो गए, तो उसके बाद हमने इसमें इनो डाल दिया है आधी चम्मच, और आधी चम्मच ही हम इसमें नमक डाल देंगे और इनो के ऊपर हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है इस तरह से, ताकि अच्छे से इसमें घुल जाए बैटर में, और इसको अच्छे से चला देना है। अब हमें इसको रखना नहीं है, इनो डालने के बाद हमें इसको रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है और इसको तुरंत हमें इडली बना लेनी है। तो हमारा बैटर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है इडली का, बस इसे 10-20 सेकंड के लिए इस तरह से बस चला लेना है। उसके बाद देखिए इस तरह से हमारा बैटर तैयार हुआ है, तो ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा ही गाढ़ा है। इसके बाद हमें इडली का सांचा ले लेंगे और इसमें हमने घी लगा दिया था, तो इस तरह से इसमें घी लगा देना ताकि इडली जो है हमारी चिपके नहीं और अच्छे से निकल कर बाहर भी आ जाए। तो इस तरह से हमें घी को लगा लेना है, आप तेल भी लगा सकते हैं घी की जगह पर। अब इस तरह से हमें इसमें बैटर को डालते जाना है। इस तरह से आप इडली बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया इडली बनेंगी, फूली फूली और एकदम स्पंजी इडली बनकर तैयार होंगी। तो हमने सारे बैटर को इसमें डाल दिया था सांचे में, उसके बाद हमने गर्म पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो पानी हमारा उबल रहा है। उसके बाद हमें इसमें सांचे को इडली का सांचे को रख देंगे। तो इस तरह से हमें दोनों को इसमें रख देना है और इसका ढक्कन लगा देना है और इन्हें कम से कम 15 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट हमें इनको हाई फ्लेम पर रखना है, उसके बाद हमें 10 मिनट मीडियम पर कर देना है। तो 5 मिनट बाद हटा कर देख रहे हैं तो ये बन चुकी, काफ़ी फूल कर स्पंजी हो चुकी थी। उसके बाद हम उधर इडली बन रही हमारी, इधर हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने कुछ नारियल ले लिए थे, 3-6 हरी मिर्च ले ली और हरा धनिया ले लिया था, और इस तरह से हमें नारियल के टुकड़े करके जार में डाल देने। तो हमने 4 हरी मिर्च ले ली है और कुछ हमने करी पत्ते डाल दिए इसमें,
और ये इधर हम हरा धनिया डाल देंगे। इसके बाद हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो हमने 1 से 2 चम्मच के लगभग इसमें तेल डाल दिया था, तो तेल हमारा गर्म हो रहा है। इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच वाइट वाली उड़द की दाल रहती है उसको डाल देंगे, और 1/2 चम्मच ही हम चने की दाल को डाल देंगे। और इसको थोड़ी देर पका लेना, बस लाल ही होने देना है इसको। उसके बाद इसे हम जार में डाल देंगे। इस तरह से हम अगर इडली चटनी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है। और हमें इसको भी इसी के साथ में, चटनी के साथ में पीस लेना है इनको भी। और इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और इसको अब पीस लेना है। तो थोड़ी थोड़ी देर में हमने इसमें पानी डाल दिया था, तो हमें इस तरह से इसको रखना है। आप चाहें तो और पतला भी रख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें दोबारा से इसमें तड़का तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच के लगभग हमने इसमें तेल डाल दिया है, तो तेल हमारा गर्म हो रहा है। इसके बाद इसमें हम राई डाल देंगे। तो 1 चम्मच के लगभग मैंने राई डाल दी है इसमें, और कुछ करी लीव्स डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम एक लाल मिर्च डाल देंगे, इसको तोड़ करके डाल देना है। तो इसका तड़का, चटनी का तड़का तैयार हो चुका है। अब इसको चटनी के ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारी चटनी बिल्कुल साउथ इंडियन तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से अगर चटनी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब हम इडली को देख लेते हैं। तो चटनी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इधर हम इडली को देख लेते हैं। तो इडली हमारी फूल करके देख काफ़ी मोटी हो चुकी है, मतलब काफ़ी फूल चुकी है। तो हम इनको अब चेक कर लेते हैं। तो मैंने एक चाकू ले लिया और इसको लगा कर देख लेते हैं। तो हमारी इडली बिल्कुल चिपक नहीं रही है। तो इन्हें कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं। तो इडली हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने सांचे को बाहर निकाल लिया है और इनको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इडलियों को निकालेंगे चाकू से। तो इस तरह से हमें इनको निकाल लेना है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया इडली बनकर तैयार हुई है हमारी। तो सारी इडलियों को इस तरह से निकाल लेना है। एकदम जालीदार इडली बिल्कुल बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इडली बनकर तैयार हो चुकी है और हमने इनको अलग से प्लेट में निकाल लिया है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी।